तो आज की कहानी में दिखाया जाता है कि जोयो जब महल में पहुंचती है तो वहां पर डेमोन किंग नहीं होता। वो डेमोन किंग को ढूंढने लग जाती है। फिर वो बाहर आकर सैनिक से पूछती है कि डेमोन किंग कहां गया। पर 17 जियान और सिमारुंग आ जाते हैं। जियान जोयो को कहती है कि तुम घबराओ मत और सोचो कि वो कहां गया होगा। सिमारुंग सोच ही रहा होता है और वो कहता है कि मुझे पता है वो कहां गया होगा। वो कहता है कि वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि डेमोन किंग एक गुफा में बैठा होता है। वहीं पर जोयो आ जाती है और वो डेमोन किंग का नाम पुकारने लग जाती है। डेमोन किंग को उसकी आवाज सुनाई देती है। फिर वो कहती है कि मुझे देखने दो, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि तुम ठीक ठाक हो। डेमोन किंग की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जोयो भी बाहर खड़ी रो रही होती है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि जोयो लाइब्रेरी में किताबों में डेमोन किंग को बचाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है। वहीं पर जियान आ जाती है और उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। जोयो उसे कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी, तुम यहाँ से जाओ। फिर आगे दिखाया जाता है कि 17 और जियान आपस में बात करती है कि जोयो आज फिर लाइब्रेरी में गई है ढूंढने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें डेमोन किंग गुफा में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसने की खुद को लॉक्ड किया होता है गुफा में। डेमोन किंग के अंदर का शैतान उसे तड़पा रहा होता है और कहता है कि तलवार को उठाओ, मैं तुम्हें पावर दूंगा, और कहता है कि इन सब लोगों को मार दो। कहता है कि वेट मत करो, वो आ रही है। कहता है कि तलवार को उठाओ, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम मेरे साथ मिल जाओ। वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है। डेमोन किंग तलवार उठा लेता है बट उसके हाथ से तलवार गायब हो जाती है। फिर डेमोन किंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसे तकलीफ हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जोयो को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बुक्स में कुछ ढूंढ रही होती है डेमोन किंग को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शैतान कहता है डेमोन किंग को कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे आसानी से छूट जाओगे। वो उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। शैतान कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो। वो कहता है कि हम पहले से ही एक हैं। फिर डेमोन किंग के सामने तलवार आती है। डेमोन किंग की आंखें खुल जाती हैं। डेमोन किंग ना चाहते हुए भी उस तलवार की तरफ बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जोयो को दिखाया जाता है जो कि डेमोन किंग के गद्दी के सामने खड़ी होती है और डेमोन किंग की जगह पर बैठ जाती है और टेंशन में होती है। वहीं पर सिमारुंग आ जाता है। सिमारुंग जोयो को बुलाता है। जोयो आंखें खोलकर कहती है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं उसके लिए कर सकूं। सिमारुंग कहता है कि मैं इसके बारे में बहुत बार सोच रहा हूं। सिमारुंग कहता है कि वांजुन तलवार जो है वो डेमोन किंग को शुरू से ही शैतान बना रही है स्टेप बाय स्टेप। सिमारुंग कहता है कि अगर हम तलवार को उसकी जगह पर दोबारा रख दें तो शायद कुछ हो सकता है। वो कहता है कि इस तलवार को सील कर देते हैं, जो पुराना डेमोन किंग था उसने इसको तोड़ दिया था। सिमारुंग कहता है कि सौंड टॉम्ब को हम किसी और तरीके से ढूंढ सकते हैं। वो कहता है कि उसके बाद वांजुन तलवार जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी, मतलब कंट्रोल हो जाएगी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सब कुछ हिलने लग जाता है। दोस्तों डेमोन किंग तलवार उठा लेता है और खुद को मारने लग जाता है बट वांजुन तलवार उसे मारने नहीं देती खुद को। दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सोचिए कि आगे क्या होगा, क्या डेमोन किंग तलवार उठाकर सबको मार देगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और कमेंट कीजिए किसको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए।